उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, वहीं रुद्रपुर के शिवनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर विरोध प्रदर्शन किया और ट्रांजिट कैंप की मेन सड़क के खराब होने और जल भराव के चलते सड़क पर धान लगाकर पुष्कर सिंह धामी सरकार का विरोध किया। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं ट्रांजिट कैंप शिवनगर के पार्षद मोहन कुमार ने बताया कि सरकार जहां आज अपने उत्तराखंड में दोबारा से सरकार में आने के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप के मुख्य मार्ग पर आकर सरकार की उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। मना रही है कि 100 दिन हो गए सरकार को बैठे उत्तराखंड की धामी जी को, और ये सरकार की उपलब्धि है। ट्रांजिट कैंप जो रोड है शिवनगर से, ट्रांजिट कैंप रोड है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। और ये पेपर में मैंने आज सुबह देखा कि उपलब्धियाँ किनारे के हमने 100 दिन में ये काम किया। आप देखिए ये कितना अच्छा काम करा इन लोगों ने। ये स्थिति है, सरकार की उपलब्धि यह है।